कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब बहु अत्याचारी सास। सुंदरपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ शारदा और उसकी बहन सुहानी रहा करती थी। तीनों भी हंसी खुशी रहा करते थे। जब श्याम छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन शारदा ने ही किया था। अब श्याम बहुत बड़ा हो गया था और उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोच रही थी। श्याम, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा तुम ठीक समझो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर श्याम ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपना काम करने लगता है। उस दिन उनके ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। श्याम को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की का नाम था श्रिया। मैं कमिन सर। यस कमिन। श्याम श्रिया की तरफ एक टक देखता ही रहता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है और उसे जॉब ऑफर करता है। कुछ देर बाद श्याम की माँ का उसे फोन आता है। अरे बेटा, तुम्हें इस शनिवार को छुट्टी मिलेगी क्या? क्यों माँ, कोई काम है क्या? हाँ, हमें लड़की देखने जाना है। अरे माँ, काम के बीच क्या ये ला रही हो, कोई दूसरा दिन ढूंढ लो। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम्हें छुट्टी निकालने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ माँ ठीक है, निकालता हूँ मैं छुट्टी। उस शनिवार शाम और शारदा लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की के माता पिता उसे बुलाते हैं और जब लड़की आती है तो शाम के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। माँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है। अब श्रिया भी वहाँ आकर बैठ जाती है। उसकी नजर शाम पर पड़ती है और शाम को देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन ही मन कहती है, अरे सर, मुझे देखने आए हैं। माँ, मुझे लड़की पसंद है। हमें तो लड़की पसंद है, बाकी लड़की की भी मर्जी पूछ लीजिए। श्रिया के घर वाले उससे पूछते हैं। श्रिया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और अब श्रिया अपने ससुराल आ जाती है। उसका नम्र स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और श्याम की बहन सुहानी अपने हॉस्टल से वापस घर आ गई। सुहानी ने घर वालों से श्रिया की बहुत तारीफ सुनी थी और वो सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा क्या किया है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने भी इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। सुहानी दीदी, आप कब आई? मैं अभी आई। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि मैं घर आई हूँ। अरे नहीं दीदी, माँ जी आराम कर रही है और ये ऑफिस गए हैं, इसीलिए। ठीक है ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खाना लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। कुछ देर बाद श्रिया उसके लिए खाना लेकर आती है। दीदी, आपके लिए गरम खाना लाया है, खा लीजिए। अरे भाभी, ये तो पूरा गरम भी नहीं है, जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो अभी गरम करके लाया था, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। अब रहने दो, तुम्हारे नाटक मुझे पता है। दीदी मैं तो। सुहानी उसे अनसुना करके खाना खाना शुरू करती है। बेचारी श्रेया वहाँ से मुंह लटका कर चली जाती है। रात को जब शाम घर आता है तब सुहानी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आराम हो गया क्या? हाँ मेरी बच्ची, तुम आई हो तो अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, मगर तुम्हारी लाडली बहू ने मुझे आज ठंडा खाना खिलाया। अरे उसका ध्यान नहीं रहा होगा, तुम उसकी ही तारीफ करो। अरे मुझे भी कोई बताओ कि किसकी तारीफ करनी है। तुम कब आए भैया? अरे अभी आया, तू बोल तू कब आई? आज दोपहर को आई हूँ भैया। अच्छा, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ, सब खाना खाने बैठेंगे। जी। अब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा सुहानी से कहती है, सुहानी मेरी बहू ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। श्रिया सबको खाना परोसती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। अरे श्रिया, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इस श्रिया की बच्ची को तो बहुत तकलीफ दूंगी, बहुत वाहवाही लूटने का शौक है ना। अगले दिन सुहानी जल्द ही उठकर काम करने लगती है। ये सब देख शारदा आश्चर्यचकित होती है। कुछ देर बाद श्रिया भी उठ जाती है। देखो माँ, घर की बहुएं कितनी देर से उठती है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोलती।
अरे श्रिया बेटी, थोड़ा जल्दी उठा करो, जिससे तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहा के इनका डिब्बा तैयार करती हूँ। हाँ जाओ और जल्दी आना, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी माँ। ऐसा कहकर श्रिया नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। तभी सुहानी उसे कहती है, अरे भाभी, आज क्या हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं कि ऐसे ही भूख से तड़पते मर जाए। जी दीदी, तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में श्रिया नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी, अरे श्रिया, टिफिन हुआ है ना? जी हो गया है, आप चाय पीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर श्रिया किचन में चली जाती है और टिफिन भर के ले आती है। अब दोपहर हो जाने के बाद श्रिया बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त माजी की दवाइयां भी साथ में लेकर आती है। अरे बहू आ गई, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी माजी, अभी पिलाती हूँ। श्रिया चाय बनाती है और कुछ सब्जियां धोने लगती है। कुछ देर बाद वो गर्म गर्म चाय लेकर अपनी सास को देने जाती है, लेकिन उसकी सास कहती है, अरे बहू ये चाय कितनी ठंडी है। नहीं माजी, अभी चाय कप में डाल कर लाई हूँ, अभी कैसे ठंडी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माजी। ऐसा कहकर शारदा श्रिया के हाथ पर वो गरम चाय डालती है। आह, है गरम चाय, काम के मामले में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। जी माजी। बेचारी श्रिया रोते रोते वहाँ से किचन में चली जाती है। अपने हाथ को मलम पट्टी लगा कर फिर से अपना काम शुरू कर देती है। तभी सुहानी उसे आवाज देती है, भाभी मैंने आपको एक क्रीम लाने को बोला था, आप लेकर आई हो क्या? हाँ लेकर आई हूँ दीदी। श्रिया सुहानी को क्रीम देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज ऐसा ही चलने लगा। सुहानी और शारदा श्रिया को तंग करने लगी। माँ मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। हाँ पता है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है तेरी चीजों को। अब चोर से पूछ लो किसने हाथ लगाया है इसकी चीजों को। माँ जी मैंने नहीं लगाया हाथ, मैं तो यहाँ आई भी नहीं। माँ इसके सिवा और कौन आता है, इसने मेरा परफ्यूम चुराया है। नहीं दीदी, मैं क्यों चुराऊं? माँ चलो इसके कमरे में, देखते हैं किसने चुराया है। ऐसा कहकर सुहानी श्रिया के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम ढूंढने लगती है। उसे एक जगह वो परफ्यूम छुपाया हुआ दिखाई देता है और सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ देखा तुमने? हाँ मेरी बच्ची, ये तो चोर निकली। नहीं माँ जी, ये परफ्यूम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। शारदा गुस्से में आकर श्रिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर श्रेया बहुत रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शाम घर आता है। श्रिया के गाल पर पड़ा हुआ लाल निशान देखकर शाम उससे पूछता है, श्रिया तुम्हारे गाल को क्या हुआ है, इतना लाल क्यों पड़ा है? जी कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। ऐसा कहकर श्रिया किचन में चली जाती है। सब लोग खाना खाके सो जाते हैं। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। हर रोज घर में झगड़े होने लगे। सुहानी और शारदा श्रिया को बहुत परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे उसे तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ मुझे भी। तभी श्रिया वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद कर लानी है, साथ में आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। हाँ जाओ और जल्दी आना। श्रिया घर से बाहर पड़ती है। इधर सुहानी भी बहुत थकी होने के कारण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शारदा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुहानी, ओ बिटिया सुहानी, जल्दी आओ बेटी। श्रिया बाहर जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। वो अपना मोबाइल लेने अपने कमरे में गई। तभी उसे सास की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत शारदा के कमरे में गई। माँ जी, माँ जी, आपको क्या हुआ है, उठिए ना, सुहानी दीदी, सुहानी दीदी। श्रिया शाम को फोन कर देती है और सुहानी को आवाज लगाती है, मगर सुहानी सोई होती है। श्रिया तुरंत एक रिक्शा बुलाकर अपनी सास को अस्पताल में लेकर जाती है। कुछ देर बाद सुहानी नींद से उठती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में पहुंचकर अपनी माँ को देखकर सुहानी रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शाम वहाँ आता है। सुहानी तुम तो घर में थी ना, तुम्हें माँ की आवाज़ नहीं सुनाई दी?
नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। आज श्रेया घर पे वापस ना आती तो हमने हमारी माँ को खो दिया होता। सुहानी रोने लगती है। दीदी आप चिंता मत करो, माजी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ श्रेया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं दीदी, आपने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, माफी मत मांगो। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं। अब आप मरीज से मिल सकते हैं, मगर ज्यादा बातें मत करना। शाम श्रेया और सुहानी शारदा से मिलने अंदर जाते हैं। शारदा आंखें खोलती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी आप अब आराम करिए, आपको जल्द घर भी तो आना है ना। तुमने मुझे माफ किया? हाँ माँ जी, कब का माफ कर दिया। श्रेया और शारदा गले लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शारदा ठीक ठाक होकर घर चली आती है। और उस दिन के बाद शारदा और सुहानी श्रेया को कभी परेशान नहीं करती। और इस तरह से अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय कौन काम आ जाए क्या पता। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था, वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी के शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया, वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं, उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया, जल्द ही अंजलि की शादी कर दो, अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा, आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो, वो कितनी शांत सुशील और गुणी लड़की है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है, बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ हाँ भाभी मुझे सब पता है अंजलि के बारे में, वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है, मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि, आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती, आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो, हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है, लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है, अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतियां हुई तो? नहीं नहीं मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए, सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती, आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन क्या है ना देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी, वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू किससे बात कर रही थी, अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था, अब और किससे बात कर रही थी इतने देर तक? सासू माँ मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, अब मुझे मौका मिला है, कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू
तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ अपना काम करो। मैं शाम को जब देव घर आएगा उसे बात कर लूंगी, अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहाँ से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है। वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतने उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी बताओ, क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती? नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा। अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी, उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो, लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव तुम चुप बैठो, हम औरतों के बीच में मत पड़ो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जाओ जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी, उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी, घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयां दी। ननन जी, मुंह मीठा कर लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयां खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुंह मीठा करते चलूं। चलो बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहाँ से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी, वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटे से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई और इसे पोता, बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना और यहाँ इस घर में भी मत आना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान है। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़के होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी, उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था, आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया।
अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला की बेटी सुमन भी माँ बनने वाली थी और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना भाभी। जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी, ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई, फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरा फर्ज निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें सबसे पहले औरत होने का फर्ज निभाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या जरूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है, ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहाँ से चली गई। पासी में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी। विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी है एक गरीब मजदूर आदमी भुवन की, जो अपने पूरे परिवार को लेके काम की तलाश में शहर आया था। उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने दिन गुजारता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोगों में से एक था। जब तक वो रास्तों पर उतरकर कुछ ना कुछ काम न करे, तब तक उसे खाना नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना मिलता और उनके दिन कटते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो फुटपाथ पर बनाई हुई झुग्गी में सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम पर निकल रहा था तो उसे पूरी सड़क सुनसान दिखाई दी। रास्तों पर कोई गाड़ियां भी नहीं दिखाई दी और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं नजर आया। फिर भुवन थोड़ा आगे जाकर देखता है, तब पीछे से जोर से एक डंडा उसके ऊपर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे डंडे मार रहा है। अरे साहब रुको, साहब साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है, चल भाग यहाँ से। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है, अगर दोबारा सड़क पर दिखा तो बहुत मार खाएगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन होता क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते पागल। ये कह के उसने एक और डंडा उसके पीठ पर मारा। वो बेचारा घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास चला गया। फिर उसके परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर भी नहीं जा सकते। तभी भुवन का बच्चा बोला, लेकिन बाबा हम बाहर जाकर सड़कों पर कुछ नहीं बेचेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो होने चाहिए ना बेटा, बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भुवन सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है, बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भुवन को अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकता है। उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 दिन का अनाज घर में भर के रख सके, और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो उसे काम दे सके। उसके परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए पुलिस की मार पड़ने के बाद भी वो बाहर निकलता है। फिर भुवन को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन बांट रही है। फिर भुवन वहां चला जाता है। भुवन को वहां जाकर पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भुवन, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड कहां से मिल पाएगा? फिर भुवन मायूस होकर वहां से निकल जाता है।
फिर उसे पता चलता है कि किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़ी लाइन लगी है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियां लेकर बहुत देर से कड़ी धूप में खड़े हैं। भुवन भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी है कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे उसे वहां लग जाते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं। कड़ी धूप में नंगे पाँव वो इस लाइन में खड़ा है, इस आस में कि आखिर कुछ खाना मिल जाए और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसका नंबर आते आते खाना खत्म हो गया। बेचारे भुवन का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, ए पागल, तुझे एक बार बोले तो समझ नहीं आता, सड़क पर क्यों घूम रहा है? साहब, आप एक काम करो, इससे अच्छा आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाना तो छोड़ो साहब, पीने के लिए पानी भी नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी कि नहीं पता नहीं साहब, पर ये भूख हमें जरूर मार डालेगी साहब। मैं अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता साहब, इससे अच्छा कि आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर भुवन जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उसकी दया आती है और वो उसे अपने पास का कुछ खाना और सामान देकर अपने परिवार के पास भेज देता है।